और कुछ कि किसी से विवाद हुआ हो या किसी कोई झगड़ा लड़ाई? मैं उसके बारे में कुछ नहीं बता सकता, किससे लड़ाई हुआ, किससे झगड़ा हुआ, किससे क्या हुआ, मेरे सामने होता तो मुझे मालूम होता ये सब चीज। आज सुबह एक शव बरामद होता है कचरा भट्टी से। दरअसल 18 नंबर रोड के पास आगे हाउसिंग बोर्ड की ओर जैसे हम बढ़ेंगे तो वहाँ एक ग्राउंड में शराब भट्टी मौजूद है, उसे कचरा भट्टी के नाम से जाना जाता है। वहाँ पर एक शख्स हरिशंकर निराले, उनका शव बरामद होता है। उनके पिताजी हमारे साथ मौजूद हैं। घर में केवल पिता और पुत्र, ये दो शख्स ही रहते थे। क्या कुछ पूरा मामला है, कैसे पता चला कि उनका शव वहाँ मिला है, कब से घर से निकले थे, सारी बातें करेंगे। सर आपका नाम? अर्जुन लाल निराले। क्या कुछ हुआ था, कब से हरिशंकर जो है वो घर से निकले? हरिशंकर जो है 31 तारीख को सुबह राजनांदगांव पिंडरी से भिलाई आने के लिए निकला। अब उसके बाद में यहाँ आने के बाद में पी खा करके ये कहाँ थे और क्या नहीं थे मुझे नहीं मालूम। उसके बाद से घर नहीं आए थे? मैं खुद नहीं था, मैं तो अपना प्रोग्राम में गए थे ना, दत्नीन के बर्थडे में, वो भी गया था। वो सवेरे सवेरे मुझे बोल दिया कि मैं भिलाई वहीं पिंडरा गए थे। मैं गया था, वो लड़का भी गए थे। वो सवेरे से उठ कर भिलाई आ गया, मैं वहीं वहीं रुक गया। फिर आज सुबह मतलब खबर मिला। कैसे खबर मिला, किसने आपको? हो गया कचरा भट्टी में पड़ा है तेरे लड़का पी खा कर। किसने दिया जानकारी? मेरे घर के सामने वाले। अच्छा, आस पड़ोस वालों ने दिया जानकारी। तो कब से शराब पीते थे और क्यों शराब पीना शुरुआत की थी? अब ये जवाब तो मैं नहीं दे पाऊंगा। कब से पीते थे शराब? 15 साल से। काफी लंबे समय। हाँ, क्या उम्र होगी इनकी? 28 साल। 28 साल। और कुछ कि किसी से विवाद हुआ हो या किसी कोई झगड़ा लड़ाई? मैं उसके बारे में कुछ नहीं बता सकता, किससे लड़ाई हुआ, किससे झगड़ा हुआ, किससे क्या हुआ, मेरे सामने होता तो मुझे मालूम होता ये सब चीज। वहाँ से निकलने के बाद क्या हुआ, कोई जानकारी नहीं? कोई जानकारी नहीं, बाहर में क्या करते हैं, कहाँ आते हैं, कहाँ जाते हैं, ऐसी तो उसका कई शिकायत मैं नहीं सुना हूँ, लेकिन मैं मुझे नहीं मालूम। क्या काम क्या करते थे वो जो काम मिल जाता था, मजदूरी? अच्छा, मजदूरी वो काम कर लेते थे वो। आप क्या करते हैं? मैं निगम में हूँ, भिलाई निगम में। तो ये हरिशंकर के पिताजी थे जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि बर्थडे में गए हुए थे राजनांदगांव पेंड्रा में, और वहाँ से हरिशंकर जो है वो निकल कर आ गए थे कि मैं भिलाई जा रहा हूँ, अपने घर जा रहा हूँ, मगर घर नहीं पहुँचे। आज सुबह पिता के पास खबर पहुँचती है कि उनके बेटे का शव जो है वो कचरा भट्टी में पड़ा हुआ है। अब वो शव वहाँ कैसे पहुँचा, हरिशंकर वहाँ कैसे पहुँचा, क्या शराब पीने से मौत हुई या कोई और वजह है? आमतौर पर देखा जा रहा है कि गर्मी का पारा जो है वो बहुत ज़्यादा हाई हो चुका है, और ऐसे पारे में अगर आप दिन के वक्त शराब पीते हैं तो क्योंकि शराब पीने के बाद अधिकतर देखा जाता है कि पानी बहुत मांगता है शरीर, शरीर को पानी देना आवश्यक होता है, मगर इतनी गर्मी में पानी पहुंचाना मुश्किल हो जाता है, और इसे शराब के नशे में और गर्मी की मार से मौतें हो जा रही है। अब क्या कुछ पोस्टमार्टम रिपोर्ट में निकल कर सामने आता है, ये देखने वाली बात है। और जितने की जानकारी मिली, जानकारी के अनुसार आपको बता दूं कि जो हरिशंकर है उनकी शादी हुई थी, शादी के बाद जो उनकी बीवी है वो भाग गई थी, उसके बाद उन्होंने दूसरी शादी की, दूसरी शादी के बाद भी बीवी उनकी भाग गई, उसके बाद इन्होंने शराब पीना शुरुआत किया और अति लेवल का, अति उच्च लेवल का शराब पीना शुरू कर दिया। अब इस बात पे कितनी सच्चाई है ये भी जांच का विषय है, क्योंकि सूत्रों के हवाले से ये सारी जानकारी मिल पाई है। क्या कुछ चीज़ें निकल कर सामने आती है, जब तक के लिए बढ़ रही हमारे साथ ब्राइट टाइम्स के चैनल को सब्सक्राइब करना। बड़े धन्यवाद।